अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नौ बजे का मुहूर्त है पंडित जी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम 9 बजे पूजा शुरू करवा देंगे जी। प्रणाम। मुझोसी, 9 बजे पूजा का मुहूर्त है तो 9 बजे पूजा शुरू हो जाना चाहिए, समझी? जी। बहुरिया रुको, बहुरिया पतो बहु ई सब हम ए लिए कह रहे हैं ताकि तुमको ई याद रहे कि घर से तुम्हारा का रिश्ता है और तुम्हारा हैसियत का है कि तुम्हारे ससुर जी पहले ही से तुम्हारा दिमाग इतना चढ़ा के रखे हुए हैं बहुरिया बहुरिया करके, अब तो तुम और ही माथा पे चढ़ के नाचोगी काहे कि तुम्हारे ससुर जी तो तुमको बेटी बना लिए हैं। एगो नया नौटंकी शुरू हो गया घर में, ताकि ये वो बात सुन लो, तुम ना ये घर की पतो हो और पतोहे रहोगी, बेटी नहीं बन सकती कभी, ये ध्यान में रखना। अरे सब हो गया तुम लोग का तैयारी? हाँ सब जल्दी जल्दी करो। मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे? और बहुरानी जी, गणेश जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी का पूजा करना ना, जब तो खूब बढ़िया से हाथ जोड़ के मन से प्रणाम करना, माथा रगड़ना हुआ पर कहना कि हे देवी देवता सब ठीक कर दीजिए। आया समझ में? जी। बताओ ना मम्मी, हमें पटाखे फोड़ने हैं हर बार की तरह पापा के साथ। अरे बेटा, अब मम्मा को कैसे पता होगा कि पापा कब आएंगे, और पापा आएंगे भी या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता। यार दांगिनी, आज का दिन दिया जलाने के बजाय बच्चों की भावनाओं को जलाया जा रहा है। बउआ तुम जाओ, छुटकी के साथ रहो, पूजा हो जाएगा ना तब, शायद पापा भी तब तक आ जाएंगे, तो उनके साथ पटाखा फोड़ लेना, और अगर नहीं आए तो हमारे साथ ही पटाखा फोड़ लेना। हाँ जाओ। ठीक है। बिटिया रानी। जी बाऊजी। आइए हमारे साथ। कहाँ बाऊजी, कैसे की पूजा का समय हो रहा है ना, तब मुहूर्त में निकलना चाहिए। हम भी अच्छे मुहूर्त बनाने के लिए ही जा रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम कह रहा हूँ ना आइए हमारे साथ। मिटा दीजिए ये सिंदूर, अगर आप नहीं मिटा सकते तो हम खुद मिटा देते। इस सिंदूर खाली आपके नाम का नहीं है जी, हमारे हक का भी है। सिद्ध रेडी हो गए हो तो आ जाओ ना। आया। पता है सर, तुम हर साल दिवाली में अपने घर चले जाते थे, लेकिन आज
तुम इस घर में हो, मेरे साथ हो। सच बताओ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं दिवाली तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। आई नो सिड, तुम्हारे लिए ये थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन तुम उदास क्यों हो रहे हो? हम एटलीस्ट त्योहार तो साथ में सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। चलो एक काम करते हैं, एक एक दिया साथ में उठा कर रखते हैं। चले ठीक है, तब मैं करता हूं। बाबूजी कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाबूजी आप आइए, चलते चलिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अब घर का दरवाजा खोल दो प्लीज। कहते हैं कि दिवाली के दिन शाम को घर का दरवाजा खोलने से लक्ष्मी जी घर में आती है। ठीक है। आपे दिवाली, चलो आपे दिवाली। पता है सोनिका, मंदिर में पूर्णिमा मुझसे कह रही थी कि आप भी जाइए, पहले सिंदूर के दुकान पर, फिर मंगलसूत्र की दुकान पर, उसके बाद कंगन, पायल, बिछिया सबके दुकान पर जाइए। तब जाकर के साथ आपको ये समझ में आएगा कि पैसा से ना बत्सला जी, आप ये सारा चीज खरीद सकते हैं, बाकी अपने आप से पहन नहीं सकती। कहे से कि ना, इन सारी चीजों को पहनाने के लिए कोई होना चाहिए। तो अब मैं दिवाली के बाद सिद्ध से शादी करूंगी, मंगलसूत्र और सिंदूर दोनों सिद्ध के नाम का, और सिद्ध के हाथों से ही मंगलसूत्र पहनूंगी। जी पूर्णिमा, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अंदर आइए, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। आइए बिटिया, आप यहाँ आइए, आइए यहाँ। बाबूजी क्या है ये सब? इनसे 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 मिलिए, ये हमारी बिटिया है। नाम तो आपको पता ही होगा, पूर्णिमा। अब ये रहा, इसे कहते हैं तलाक के कागजात। पहुंची तलाक जी। बाबूजी तलाक ऐसे ऐसे? चुप रहिए बिटिया रानी, अब आपको बिटिया मान लिया ना, तो बाप का क्या फर्ज बनता है? बाप का ही सर्वोत्तम फर्ज बनता है कि उसकी बिटिया जो है वो खुश रहे, और खुशी खातिर अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। ये लीजिए, दस्तखत कीजिए, इसके बाद आप आजाद हो गए। उड़िए आजाद पंछी तरह भत्सला के साथ, और मनाइए होली दिवाली और गाइए कवाली। लीजिए दस्तखत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं होगा, किसी किस्म का कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगा। उड़िए हवा में और
बेचारी पूर्णिमा, माफ कीजिएगा, बेचारी नहीं बोलना चाहिए था, हमारी बिटिया पूर्णिमा झूठी उम्मीद लगाए नहीं बैठेगी और रातों को ऐसी रोएगी नहीं। के लिए दस्तखत कर और आजाद कर। पूर्णिमा आप कहां चले? और हमारी बिटिया रानी के तलाक के कागजात, तलाक के कागजात, तलाक के कागजात। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।